जय हिंद दोस्तों, टीम एनिमल बर्ड्स वेलफेयर सिरसा हरियाणा से। सो दोस्तों, आज फिर एक नए सांप की जानकारी लेकर आप लोगों के रूबरू हो रहे हैं। तो अभी हम रेस्क्यू करके आए हैं सिरसा की जई कॉलोनी से एक कॉमन वॉल्फ स्नेक। इससे पहले हमने उसी घर से एक सांप रेस्क्यू किया था, वो था कॉमन क्रेत और ये है कॉमन वॉल्फ स्नेक। इन दोनों सांपों में थोड़ा थोड़ा जो पैटर्न है वो सेम होता है, इसलिए लोग इसको कॉमन क्रेत समझ लेते हैं और जहरीला समझकर मार देते हैं। जबकि ये जो सांप है ये कॉमन वॉल्फ स्नेक है। मैं इस सांप का आपको जो शारीरिक बनावट है, इसकी संरचना है, वो दिखाता हूँ अभी कि ये किस तरह से ये सांप होता है। तो ये देखिए, ये सांप बिल्कुल कॉमन क्रेत जैसा दिखने में लगेगा जिन्हें कम नॉलेज है, जिनको नॉलेज नहीं है उन्हें। कॉमन क्रेत में क्या होता है, जो कलर होता है सांप का वो ब्लैक होता है। ब्लैक के ऊपर जो स्ट्रिप होती हैं वो डबल डबल ऐसे धारियाँ होती हैं और पतली होती हैं थोड़ी। ये होता है, इसका कलर होता है चॉकलेट कलर का होता है ये सांप, हल्का ब्राउन कलर का होता है। और इस सांप के ऊपर जो पट्टी है वो थोड़ी चौड़ी होती है। इसका मुंह दिखाता हूँ मैं आपको, काले रंग की इसकी आंखें होंगी, शरीर से थोड़ी सी उभरी हुई इसकी आंखें होती है। और ये सांप अक्सर हमारे घरों में दरवाजे खिड़कियों पर आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि ये सांप दीवारों पर चढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्लाइंबर माना जाता है। और इसका जो मुख्य भोजन है वो छिपकलियों के अंडे, कीट पतंगे या छिपकलियाँ छोटी मोटी, उनके जो बच्चे होते हैं उन्हें खाना होता है। इस सांप में बिल्कुल भी जहर नहीं होता है। इसको बहुत से लोग कॉमन क्रेत समझकर मार देते हैं, जबकि कॉमन क्रेत में न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है और वो बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है। और ये सांप यदि आपके घर, ऑफिस, कहीं भी निकल जाए तो हमारे पास तो जैसे ग्लव्स हैं, तो आप किसी मोटे कपड़े से इसको पकड़ कर बाहर छोड़ सकते हैं। और इसे ये भी नहीं कि घरों से दूर कहीं जंगल में फेंको तो ही वो है, चाहे इसको आसपास किसी गार्डन में भी छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ पर भी ये देखो, हमारा पीछे शेल्टर है, हम इसको यहीं छोड़ेंगे। जबकि हम कॉमन क्रेत, कोबरा है, उन्हें हम जो उनका हैबिटेट है वहाँ छोड़ कर आते हैं, लेकिन इन सांपों को हमें यहाँ पर छोड़ने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी जीव जंतु नहीं है जिससे हमें यूँ लगे कि ये सांप उनको नुकसान पहुँचा सकता है या उन्हें हानि पहुँचा सकता है। तो वन्य जीवों को बचाइए और खुद भी बचिए। ये सांप कॉमन वॉल्फ स्नेक है, जो कि बिल्कुल भी जहरीला सांप नहीं है। इस तरह के जीवों को बचाएं, आगे आएं, हाथ बढ़ाएं। जय हिंद।